कल दिनांक 22 सितंबर 2022 को श्री 1008 ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर मयूर विहार फेस 1 दिल्ली में परम पूज्य युग परिणीता ज्ञानवृद्ध सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज का चतुर्थ समाधि दिवस गुणानुवाद का भव्य कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज का। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे अध्यक्ष श्री विजय जैन जी, उपाध्यक्ष श्री संजीव जैन जी, महामंत्री अरविंद जैन जी, मंत्री श्री प्रवीण जैन जी बैंक वाले और कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण जैन जी का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। कार्यक्रम के निवेदक हैं कुनकुन भारती न्यास नई दिल्ली और आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिनवर को ध्याऊं, जिनवर को ध्याऊं, आर्य जनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं, व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिनवर यह वर दो, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिनवर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, निकले मधुर वचन बोलूं, मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तालूं, संभाषण तालूं, आत्म तत्व की रहे भावना, ओ आत्म तत्व की रहे भावना भाव विमल भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ा मिथ्या पथ छोड़ू,
निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं, जन्म जन्म में जैन धर्म यह, जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो, जन्म जन्म में जैन धर्म यह मिले कृपा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। समय गुरु पाद मूल हो संत समूह रहे, संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे, गंगा नित्य बहे, भव भव में संन्यास मरण हो, ओ भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो, भव भव में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो, बस इतना फल दो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कषायों को मैं त्यागूं, तजूं परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं, नाथ अनुग्रह हो, तन पिंजर से मुझे निकालो, पिंजर से मुझे निकालो, सिद्धालय घर दो, तन पिंजर से मुझे निकालो, सिद्धालय घर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आज दिनांक 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार, अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्वेत इच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी का चतुर्थ समाधि दिवस श्री 1008 ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया गया। हम उनके चतुर्थ समाधि दिवस पे उनको बार बार वंदन करते हैं और उनको आशा करते हैं वो गुण हमारे जैन समाज में हमारे अंदर रोपित होते रहेंगे। आज 22 सितंबर को हमें पूज्य गुरुवर यम संलेखना धारक सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य आचार्य भगवान 108
विद्यानंद जी महाराज की चतुर्थ समाधि दिवस पर गुणानुवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान शुद्ध सागर महाराज जी का परम सानिध्य निर्देशन में आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और हम नमोकार चैनल के भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कवर किया। मन मंदिर में मूरत तेरी मैंने ना पहचानी, भटक रहा हूँ भव सागर में मैं मूरत अज्ञानी, भान करा दो ज्ञान सिखा दो नैया मेरी भव पार लगा दो, भूलेंगे न हम तेरा नाम हो गुरुवर मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम हो। तुम ही गुरु हो तुम ही विष्णु तुम साक्षात परम पिता परमेश्वर, हे जगपालक हे संचालक काहे राजेंद्र बिन तुम लायक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो गुरुवर मरते दम तक, लेते रहेंगे तेरा नाम हो गुरु। चतुर्थ समाधि दिवस के रूप में मना रहे हैं तो गुरुदेव को याद करेंगे मीठी मीठी धुनों के साथ में। ओ मरते दम नहीं अगले जन्म नहीं साथ जन्म नहीं जन्मो जन्म तक, भूलेंगे न हम तेरा साथ हो गु। आई मेरे गुरुवर जी आए, आई मेरे गुरुवर जी आए, तुम्हें नाचे मस्ताने आए हैं, हाँ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने के आगे हैं। गुरुवर का जयकारा बोलो जोर जोर से, गुरुवर का जयकारा बोलो जोर जोर से, गुरुवर के दीवाने आगे चारों ओर से, गुरुवर के दीवाने आगे चारों ओर से। जिसके लिए सभी धर्मों की सर्वोच्च साधना दिगंबर साधु करता है उस पंक्ति को, उस भाव को एक पंक्ति में भेजा है कि बिछौना धरती को बना, बिछौना धरती को बना, जोड़ते हैं गगन मेरे गुरुदेव नमन, तुमको सतवार नमन मेरे गुरुदेव नमन, तुमको सतवार नमन मेरे गुरुदेव नमन, तुमको सतवार नमन। अच्छा लगा हो तो गुरुदेव की प्रियांजलि में ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन भावों के साथ इस मयूर विहार के आदिनाथ मंदिर में आज की फिजाएं जो आनंद दे रही हैं, आज का इतिहास भी उसी आनंद को लिखने जा रहा है। और मैं इस फिजाओं में, इस माहौल में, इस वातावरण में सिद्धांत चक्रवर्ती, स्वित पिच्छाचार्य,
श्री विद्यानंद जी मुनिराज के गुणानुवाद की इस सभा का मंगलमय प्रारंभ करूं, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल की सदस्याओं को कि वो आएं और आज के इस सभा का मंगलाचरण करके मंगलमय आरंभ करें। हेलो, बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जिस प्रकार एक छोटी सी औषधि पूरे तन की व्याधियों का नाश कर देती है, उसी प्रकार भगवान की छोटी सी स्तुति हमें जन्मों जन्मों के बंधन से छुड़ाकर उस मोक्ष पद की प्राप्ति दिलाती है। तो आमंत्रित करता हूँ श्री दिगंबर जैन महिला मंडल की सदस्याएं श्रीमती सुप्रिया जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्रीमती गीतांजलि जैन जी को, वो आए और गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर मंगलाचरण के रूप में अपनी प्रस्तुति दें। जोरदार तालियां श्री महिला मंडल, आपके समाज की ही बेटियां हैं ये, जोरदार तालियां इनके लिए। श्रीमती सुप्रिया जैन, गीतांजलि जैन, पारुल जैन जी, आइए मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए अपनी प्रस्तुति। गुरु ही माता, गुरु ही भ्राता, गुरु ही बंधु सखा गुरु, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवकार मंत्र है महामंत्र, हम महिमा इसकी गाते, ये पंच परमेश्वरी कहते, ये पंच परमेश्वरी कहते। नवकार मंत्र है महामंत्र, हम महिमा इसकी गाते, ये पंच परमेश्वरी कहते, ये पंच परमेश्वरी कहते। पैतीस अक्षर के पांच पदों से जन्म मरण मिट जाते, ये पंच परमेश्वरी कहते, परमेश्वरी कहते। जय महामंत्र, जय महामंत्र, जय महामंत्र, जय महामंत्र।
सफल बन जाते ये पंच परमेश्वर कहते ये पंच परमेश्वर कहते नवकार मंत्र है महामंत्र हम महिमा इसकी गाते ये पंच परमेश्वर कहते ये पंच परमेश्वर कहते चरण इतना अच्छा तो नहीं था जितनी अच्छी आपकी तालियां थी या यूं कहें कि आपकी तालियां उतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छा मंगलाचरण था। तो मंगलाचरण के हिसाब से तालियां बजाते रहिएगा और अपने पुण्य का कोष बढ़ाते रहिएगा और इस क्रम में एक बार सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त करेंगे कि हे गुरुवर, बोलिए हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सब आज श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चतुर्थ समाधि दिवस के पावन प्रसंग पर उनके चरणों में एक गुणानुवाद सभा आपकी परम सन्निधि में करना चाहते हैं। हे गुरुवर, इसके लिए हमें अपना आशीष और सानिध्य प्रदान करें। हे गुरुवर, श्रीफल बनाइए अपने हाथों का। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और देखिए गुरुवर का आशीर्वाद परम मुद्रा के प्रसन्न मुद्रा के साथ हम सबको प्राप्त हो रहा है। सभी अपने स्थान ग्रहण करें। जो हमारे अतिथिगण आ रहे हैं उनके लिए स्थान आरक्षित है, वो अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी क्रम में मैं आदरणीय भैया है ना, अभी तो हम विराजमान करा रहे हैं, आदरणीय भैया पुष्पेन जी से भी निवेदन करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में अपना पूरा सानिध्य और अपना पूरा समय हमें प्रदान करेंगे। मैं उनको भी औपचारिक रूप से पूरी दिगंबर जैन समाज सभा मयूर विहार की ओर से आमंत्रित और करता हूं और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से हम भैया जी का अभिनंदन करें। और गुरुओं का आशीर्वाद और हमारे दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जब तक गुरु का नाम करें गुरु का सुमिरन, करें गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जय हो।
दीवाना गुरुवर का जय हो दीवाना गुरुवर का जब तक गुरुओं का नाम करें गुरु का सुमिरन करें गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा गुरुवर तेरी तस्वीर सिराने धर कर सोते हैं गुरुवर तेरी तस्वीर सिराने धर कर सोते हैं यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो दर्शन पाएंगे कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो दर्शन पाएंगे गुरुवर तेरी तस्वीर सिराने धर कर सोते हैं गुरुवर तेरी तस्वीर सिराने धर कर सोते हैं यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते गए कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो दर्शन पाएंगे कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो दर्शन पाएंगे का करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं महेश जी सतीश जी जैन साहब जी मेरे पास नाम आ गए हैं राकेश कुमार जी जी श्रीफल और जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार चांदी ही चांदी हो गई रे चांदी सोना हो गई चांदी ही चांदी हो गई रे चांदी सोना हो गई जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार सतीश जी मुझे लग नहीं रहा कि आप 2 महीने से आनंद ले रहे हैं अगर 2 महीने का आनंद है तो वो दिखना चाहिए कि 2 महीने में कितना आपने थोड़ा सा झूम के भक्ति के साथ जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बद गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे गुरु मेरी डोर बद गई रे मैं हर पल थारे साथ रहूं आने पधारो गुरुदेव पधारो भरी आंगणिया पधारो आंगणिया नैना निहारे को गुरु थारे पूजनिया हाँ नैना निहारो जी निहारो भरी आंगणिया
से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर ओ लोक सुखा कर उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कमुदा ओम रिम अज्ञान तिमिर हरम दीपकम प्रज्वालयामि। बोले परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती सोहित पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की, निर्यापक पट्टाचार्य श्री सुत सागर जी महाराज की, ओ दिल में ओ ढोल बजा के बोल के गुरुवर मेरा है मेरा है मेरा को गुरुवर मेरा है, देखो ढोल बजा के बोल के गुरुवर मेरा है, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण कोई कहे पूर्व कोई कहे पश्चिम, कोई कहे उत्तर कोई कहे दक्षिण कोई कहे पूर्व कोई कहे पश्चिम, गुरुवर है जम और के गुरुवर मेरा है, ढोल बजा के बोल के गुरुवर हो। और जो भी अपने आप को मयूर विहार का मानता हो और मयूर विहार का न मानता हो, भगवान आदिनाथ का मानता हो और आदिनाथ का ना माने, पूज्य गुरुदेव का अपना आपको मानता हो, को हाथ जरूर खड़ा करके ताली जरूर बजाएगा। चलो भैया हो अरे हो गुरु साथ रहो चेलो बनो में थारो चेलो बनो में हरे पले थारे साथ रहो मैं, ओ गुरु सा ओ गुरु सा थारो चेलो बनो में थारो चेलो बनो में हरे पले थारे साथ रहो मैं, सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तुम बारिश थारी बूंद बनो मैं थारी बूंद बनो मैं, हरे पले थारे साथ रहो मैं, लागी लागी रे लगन ओ गुरुवर थारे नाम री, लागी लागी रे लगन गुरुवर थारे नाम री, लागी लागी रे रवि रे गुरुवर थारे नाम री, लागी लागी रे लगन गुरुवर थारे नाम री। ओम ह्रीम। देखो भैया सीधा कैसे होता है एक बात ध्यान रखना, जैन धर्म का सिद्धांत है जियो और जीने दो, और इस नारियल में एक तरफ नुकीला भाग होता है, नुकीला होता ना, तो नुकीला अपने तरफ रखो कि ये चोट मुझे लगती हो तो लग जाए लेकिन सामने वाले को ना लगने पाए, ये जियो और जीने दो की भावना को ध्यान में रखेंगे तो हमारा श्रीफल हमेशा सीधा रहेगा। और सीधे श्रीफल के साथ ओम नेम आचार्य विद्यानंद मुनीन्द्र चतुर्थ गुणानुवाद सभायाम सानिध्य प्रदानार्थम आशीष प्रदानार्थम च श्रुत सागर मुनिराज से चरणारविंदेषु अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिते। बोले परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज की, जैन धर्म की जय हो। चलिए अपना अपना स्थान ग्रहण। ओम नमः। बैठ जाइए। ओम नमः। 48 दिवसीय भक्त हमारा अनुष्ठान वहां पर हुआ और दन्य अन्य पर्युषण पर्व में भी महती प्रभावना हुई, और ऐसे अतिशय महाप्रभावना पूर्ण चातुर्मास के लिए जो कर्ता धरता हैं उनको एक बार धन्यवाद बनता है। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर जाते। हमारे कृष्णानगर जैन समाज के प्रधान जी श्री सतीश जी जैन और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएं और इनका हम खड़े होने के बाद करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। सतीश जी जैन प्रधान जी और जो भी पूरी टीम है, जोरदार करतल ध्वनि से बहुत बहुत हम साधुवाद करते हैं, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और आपके पुरुषार्थ का। देखिए गुरुवर की भी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं और सतीश जी जैन के नेतृत्व में जो कि प्रधान है कृष्णानगर के, उनके नेतृत्व में टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमारे लिए प्रेरणास्पद है, हम बार बार इनको साधुवाद धन्यवाद। अभी बोलेंगे, अभी अभी हाँ बोलने का अवसर आएगा भैया, सबको आएगा, अभी पहले मुझे बोल लेने दो। चलिए और अब मैं
आप सबके औपचारिक स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दिगंबर जैन सभा मयूर विहार के उपाध्यक्ष श्री संजीव जी जैन को कि वो आए और अपने स्वागत भाषण के माध्यम से सभी आगंतुक महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्री संजीव जी। हेलो, एक छोटी सी करेक्शन है, अभी यमुनापाल जैन समाज में सतीश और महेश, अर्थ पता है क्या होता है? महेश का अर्थ क्या होता है? महाईश। और महेश कहते हैं संसार में महादेव को, शंकर को। और सतीश का अर्थ क्या होता है? सतीश का अर्थ भी शंकर होता है। सती उनकी पति थी और जो सती के स्वामी हैं सतीश, तो दोनों एक से हैं। और जैन दर्शन कहता है कि परस्पर उपग्रह हो जीवा नाम समत्व की भावना है, तो पता नहीं चलता, इधर उधर होता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो हमारा सबका वात्सल्य भाव है। और एक बार पुनः सूचना, मैं गुण गान की जय हो, फिर नव कार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो, जिनके रूप को देवता रस्ते, जिनके रूप को देवता रस्ते, ऐसे संतों की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले, 24 तीर्थंकर भगवानों की जय हो, 24 तीर्थंकर भगवानों की जय हो। तो जोरकार जयकारा एक पंच परमेष्ठी भगवान की। सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी एवं माँ जिनवानी को नमन कि उन्होंने हमें जिन धर्म की शरण दी। अब हमारी एक परंपरा है अतिथि देवो भवा, तो अतिथि का स्वागत करना हमारी परंपरा में है। भाइयों और बहनों, आज दिनांक 22 सितंबर को परम पूज्य युग परनेता यम संलेखना धारक सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यानंद जी गुरुदेव की चतुर्थ समाधि दिवस पर गुणानुवाद प्रोग्राम में आए हुए सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथि गणों का, मैं संजीव जैन, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज एवं दिगंबर जैन सभा मयूर विहार की तरफ से आदर अभिनंदन आभार एंड ए वेरी वेरी वार वेलकम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां समाज के सभी व्यक्ति आए गए अतिथियों के लिए बजाएं। भाइयों और बहनों, वैसे तो हर धर्म जीने की कला सिखाता है, परंतु एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो जीने के साथ मरने की भी कला सिखाता है हमें, कि कैसे हम यम संलेखना धारण कर पूज्य गुरुवर की तरह समाधि मरण प्राप्त करें और कैसे अपने मृत्यु को एक मृत्यु महोत्सव में तब्दील कर दें। ऐसे ही हमारे प्रिय गुरुवर श्वेत पिछाचार्य गुरुवर 108 विद्यानंद जी ने शास्त्र प्रतिपादित पद्धति द्वारा यम संलेखना पूर्वक अपने जीवन का अंत किया। तो ऐसे गुरुदेव के चतुर्थ समाधि दिवस पे गुणानुवाद कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का मैं पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ भैया, इधर सुनो, अंत नहीं किया, मंगल किया, मंगल किया, समझना, महाराज जी का आना भी मंगल है, जाना भी, मंगल विहार बोलते हैं ना, आना भी मंगल विहार है, जाना भी मंगल विहार, समझ में आ गया ना? ठीक है। शास्त्र प्रतिपादित पद्धति द्वारा यम संलेखना पूर्वक अपने जीवन का मंगल किया और हमें अपने मंगल गुणानुवाद गुण जो उनके गुणों का विश्लेषण आज होगा, अपने मंगल आदर्श जो उन्होंने स्थापित किए, उन्होंने जो 25 हमारे लिए छोड़े उन पे चलने की प्रेरणा हमें दी। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में पुनः नमन, बारम्बार नमन, धन्यवाद धन्यवाद। देखो, आपको आना अच्छा नहीं लगा तो आपके स्वागत उन्होंने किया है, आप स्वागत में ताली नहीं बजा रहे, अपने स्वागत में तो ताली बजाते रहिएगा और पड़ोसियों की नींद दूर भगाते रहिएगा, क्योंकि पड़ोसी सो जाएंगे तो कार्यक्रम खो जाएगा और कार्यक्रम खो जाएगा तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। हमारा आना हाँ, बेकार ना हो, नेगेटिव मत बोलो, ठीक, कोई भी नेगेटिव वर्ड मत बोलो। जी महाराज जी, हर बार नेगेटिव बातें यूज करते हो, सही नहीं है। जी महाराज, समझ चलिए। और अब हम चलते हैं आगे पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन की ओर। नेगेटिव बिल्कुल मत करना जी, थोड़ा शब्दों को प्यार से बोलो, अच्छा बोलते हो जी, पर नेगेटिव मत बोलना। और ये पांच परिवार हमारे यहाँ सौभाग्य प्राप्त है जो ये पाद प्रक्षालन करेंगे। चंदन गुलाल बने तेरे चरणों की धूल गुरु,
चंदन गुलाल बने, जिसने भी झुकाए मस्तक, जिसने भी झुकाए मस्तक, उनकी तकदीर बने। हाँ तेरे चरणों की धूल गुरु, चंदन गुलाल बने। इसी क्रम में द्वितीय सौभाग्य प्राप्तकर्ता परिवार मैं आमंत्रित कर रहा हूं, श्री आलोक जी जैन, ज्योति जैन, वर्धमान अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, वो आए और गुरुवर का पाद प्रक्षालन करें। ओ गुरुवर तेरे चरणों के रजी धोने जो मिल जाए। आलोक जी की माता जी श्रीमती सुशीला जी भी हैं और ये श्री सतीश जी जैन आकाशवाणी परिवार है। जोरदार ओ में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, थी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। इसी क्रम में तृतीय सौभाग्य प्राप्तकर्ता परिवार हैं श्री सुरेंद्र जी जैन, मीरा जी जैन, विनोद नगर परिवार, वो आए और गुरुवर का पाद प्रक्षालन करें। श्री सुरेंद्र जी जैन, मीरा जी जैन परिवार, विनोद नगर। हो जब से छुए चरण मेरे भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। ऐसा हुआ जतन कि मेरे भाग्य खुल गए। हाँ जब से छुए चरण कि मेरे भाग्य खुल गए। चतुर्थ परिवार, पुण्यार्जक परिवार, सौभाग्य प्राप्तकर्ता परिवार के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दर्शन तुम्हारे पाकर हर झूम उठा मन मोर मोर, गुरुवर तुम हो चंदा तुम्हें हो चकोर। दर्शन तुम्हारे पाकर मेरा झूम उठा मन मोर। अगले सौभाग्यकर्ता परिवार के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री यशवीर सिंह जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, मनु अपार्टमेंट, मयूर विहार। मेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। गुरु श्रुत सागर जपना हो, गुरु श्रुत सागर जपना बस काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। इकी रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरु ने आकर कहा मुझ। मैं विनोद जैन जी को कहूंगा कि वो अनिल जैन जी पारस नेपाल वालों को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें यहाँ पर। विनोद जैन जी यूनाइटेड अपार्टमेंट। Thank you.
ओ मीठे रस से भरियो ने जिन बाड़े लागे जिन बाड़े लागे प्यारे प्यारे गुरुवर जी के बाड़े लागे 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 लागे। श्रीमती नीलम जैन मैत्री अपार्टमेंट, अरविंद जी भी साथ आ सकते हैं। जोरदार तालियां हमारे दिगंबर जैन सभा के महामंत्री और महामंत्राणी के लिए। और लागी लागी रे लगन ओ गुरुवर थारे नाम री, लागी लागी रे लगन ओ गुरुवर थारे नाम री, आगी शुभ घड़ी आगे माने जिनवर नाम री, आगी शुभ घड़ी आगे माने गुरुवर नाम री। श्री प्रवीण जैन जी मंत्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार और श्रीमती रश्मि जैन मंत्राणी जो ऑटोमेटिकली मंत्राणी बन जाएगी। और जब से गुरु दर्श मिला मन का मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन का मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंद गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओ मोहिला गेरे लगन गुरु श्रुत सगर महाराज की, मोहिला गेरे लगन, मोहिला गेरे लगन गुरुदेव तुम्हारे नाम की, मोहिला गेरे लगन लागे लगन लागे लगन लागे रे लगन, मोहिला गेरे लगन गुरुदेव तुम्हारे नाम की, मोहिला गेरे लगन। अब हमारे ज्ञानवान जो आज के मंच संचालक भी हैं डॉक्टर सोनल के जैन, अपने द्वारा लिखित भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित विमलनाथ पुराण पूज्य आचार्य श्री को शास्त्र भेंट के रूप में समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे डॉक्टर सोनल के जैन। श्रीफल भेंट करते हुए दीवाना गुरुवर का जब तक गुरु का नाम करे गुरु का सुमरन करे गुरु का सुमरन नित्य सुबह और शाम, दीवाना गुरुवर का हमारे ये मंदिर RWA पॉकेट वन मयूर विहार फेज वन में स्थित है। तो हमारी RWA के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और श्री विजय जैन जी और अरविंद जैन जी से अनुरोध करूंगा उनको पहले पगड़ी बनाकर सम्मान दे, फिर गुरुवर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, गुरुवर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, जो चलते हैं अहिंसा पथ पर, जो चलते हैं अहिंसा पथ जिन वही कहलाते हैं, गुरुवर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, गुरुवर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। परम पूज्य युग प्रेरणता ज्ञान वृद्ध सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिचाचार श्री 108 विद्वान जी मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। हे गुरुवर, हे परम ज्ञाता, गए तुम हूँ व्यथित, कितना हुआ दुख जताना क्या, जो तुमसे नहीं पाया था वो मेरा है बताना क्या, यही इच्छा थी विघ्नों से रहित तुम्हारी समाधि हो, उड़े जब हंस महले से न कोई रोग हो न कोई व्याधि हो, मिले वो पद कि जिसकी कामना में था सभी छोड़ा, चले निष्काम दुर्गम पथ तनिक भी राग न जोड़ा, हे गुरुवर करूँ मैं बंधन हृदय से भावना भाऊँ, कि सारे राग बंधन मुक्त तुम जैसा मरण पाऊँ,
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश जी, आपने अपने भाव व्यक्त किए और उससे ज़्यादा धन्यवाद कि इतने संक्षेप में सार गर्भित रूप से भाव प्रस्तुत किए और आगामी वक्ताओं के लिए एक मिसाल पेश की है कि आगामी वक्ता भी इसी रूप सार गर्भित प्रस्तुति देंगे और अपनी विनयांजलि भावों से हम दे रहे हैं। शब्द एक छलावा है, भाव दक शब्द जो है एक माध्यम है हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का। मैं आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित, बोलिए आचार्य श्री सुसागर महाराज की। महानुभावो, आज गुरुदेव की समाधि दिवस मयूर विहार में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। अभी गुरु, मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा आने में हमारे को विलंब हुआ और गुरुदेव का आदेश था पहले कुनकुन भारती जाओ, वहाँ गुरुदेव के चरणों का अभिषेक करके फिर सीधे इस कार्यक्रम में आना है। तो हम सभी लोग सीधे वहीं से अभी आ रहे थे और बहुत अच्छे गुरुदेव के आशीर्वाद से सारा संपन्न हुआ वहाँ पर अभिषेक का कार्यक्रम। गुरुदेव के लिए अब आचार्य श्री के इतने संस्मरण हमारे साथ, आज मेरे को 30 साल हो गए गुरुदेव के साथ जुड़े हुए और उसके साथ साथ 22 साल हो गए महाराज के साथ जुड़े हुए। कितने संस्मरण हैं महाराज के, गुणानुवाद की बात अगर हम बोलें तो क्या क्या कहें। चलती फिरती लाइब्रेरी थे महाराज, चलते फिरते महाराज को 8000 श्लोक कंठस्थ थे और लोग वह कहते हैं मेरा तो दृढ़ निश्चय है उनके बारे में। अभी हम लोग खुद उस चीज को महसूस करते हैं। ऐसा संस्मरण एक बताता हूँ, अभी आप देखिए गुरुदेव वो सही डेट वो बता पाएंगे। अप्रैल महीने में गुरुदेव की फिक्स डेट जन्म तिथि जो है 22 अप्रैल 1925, अप्रैल महीने में 22 अप्रैल का गुरुदेव का जन्म जयंती महोत्सव आता है। और आप ध्यान करिए ज़्यादातर अप्रैल महीने में भगवान महावीर की भी जन्म जयंती रहती है और 10-12 साल के अंदर एक तिथि जरूर ऐसी आती है जिस दिन गुरुदेव का भी जन्म जयंती होती है और भगवान महावीर की भी उसी दिन जन्म जयंती होती है। ये तिथि के हिसाब से ऐसा है और आप देखिए 10 या 12 साल का चक्र है वो गुरुदेव भी बताएंगे। पर गुरु मतलब चलते फिरते आज की डेट में हमारे वो एक तीर्थंकर थे, समोशरण की कल्पना हम कर लोग करते हैं। मेरे साथ गुजरा हुआ वाक्या है, थोड़ा समय लूंगा गुरुदेव क्षमा चाहता हूं मैं, पर मन में उद्गार है बताना चाह रहा हूं। एक बार गुरुदेव घर गुलमोहर पार्क आए, आहार करके बोले चलो अनिल अपने को सुरेश भाई साहब जो हमारे उस वक्त के अध्यक्ष थे हौज का चल रहा है। हम निकल दिए, आचार्य श्री को भी मालूम है हम निकले, मेरे पिताजी थे, मेरा लड़का था, मैं था। हम निकल रहे थे सीधे सड़क से, इधर से राइट साइड से कुछ गायें, एक गायों का झुंड आ रहा था, सुबह की बात थी 8:30-9 बजे के आसपास की। महाराज चल रहे थे, चलते चलते अचानक पता नहीं उनके क्या मन में आया, बोले हे गाय माता थोड़ा रुक जाओ हमें जाने दो। और आप विश्वास नहीं करेंगे वो सारी गाय माता रुक गई। मैंने अपनी आंखों से देखी वो बात, वो सारी गाय माता उसी वक्त वहाँ रुक गई। गुरुदेव भी कई बार उसका विवरण करते हैं। फिर पता नहीं महाराज के मन में क्या आया, पता नहीं क्या आया, अच्छा अच्छा गाय माता पहले आप चली जाओ, और वो सारी गायें चल दी। महाराज रुक गए, सारी चल गई। जब वो गाय माता निकल गई तो महाराज अपने राइट साइड को लेके सीधे सुरेश भाई साहब के घर पे पहुंच गए। गुरुदेव का मैं क्या, कितने संस्मरण उनके साथ हमारे जुड़े हुए हैं। बहुत समाधि दिवस में भी जो जो हुई हैं चीजें, ऐसे अग्नि का जो उनका है चित्र वो आज भी हमारे मोबाइल में है, कई जगह हमने उसको प्रकाशित भी किया है कि अग्नि प्रज्वलित होने के बावजूद भी उन लपटों में चेहरा महाराज का नजर आ रहा है साहब। अगर किसी को देखना है तो मेरे पास आज भी वो मोबाइल में सुरक्षित है, मैं दिखा सकता हूँ कि समाधि के वक्त वो जल जो हुआ और 15-20 मिनट के बाद गुरुदेव का पूरा चेहरा उन अग्नि की नहीं, पूरा चेहरा नहीं, पूरा शरीर बना हुआ था। हाँ शरीर बना हुआ, अग्नि अग्नि का ही शरीर बन करके उड़ के गए, उड़ते हुए जैसे महाराज। और वो फोटो में आया है पूरा अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल आया है,
बहुत देर तक रहा है वो, बहुत देर तक रहा है। जो बड़े महाराज का शरीर था वो बिल्कुल अग्नि मतलब जो चल रहा था उसमें ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था, वो धीरे 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 उड़ता था। और वो जय जय गुरुदेव, अपने आपने फोटो लिया था एक अर्जुन जैन जौहरी जो है वो फोटो ले, उस समय उनको पता नहीं था, नहीं था, नहीं था, जब वो फोटो देख रहे थे ना उसके अंदर था, उन्होंने दिखाया ये फोटो आया है। मैंने बोला उनको सबको व्हाट्सएप करो, शायद आपके पास अभी भी हो। है महाराज, बिल्कुल है, कोई भी देखना चाहे मैं दर्शन कराऊंगा। और उसके बाद डेढ़ दो घंटे बाद जब गुरुदेव का सब हो गया, वहाँ पे सब महाराज लोग जब हो गए, तो मैं कहा भाई हमने भी धोती बदल के कुर्ता पजामा पहन लिया, मैं कहा अंतिम महाराज के दर्शन कर लें समाधि के। तो अनिल जैन कनाडा महाराज, उसने फिर एक फ़ोटो ली, उस फोटो में मैं खड़ा हुआ हूँ और वही महाराज की उसकी मतलब आप समझिए पौन घंटे बाद महाराज, कम से कम पौन घंटे बाद, और उसी अग्नि में एक खिड़की बनी हुई है और महाराज का चेहरा पूरा नज़र आ रहा है। पौन घंटे बाद भी वो भी फोटो मेरे पास है, आप कोई देखना चाहेंगे मेरे इसी मोबाइल से मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब मैं कोई इतना विद्वान तो नहीं, पर निश्चय ही वो ऐसी एक चरित्र आत्मा थे कि जरूर आज भगवान आज नहीं तो वो हमारे भगवान की तरह पूजे जाएंगे, हमारे तीर्थंकर जरूर माने जाएंगे। और जो जो गुरुदेव का आज इतनी उपलब्धियां हैं, मतलब जब से शांति सागर महाराज से दिगंबर का अपना फिर से शुरू हुआ, आज 55 दीक्षाएं सिर्फ 19 शताब्दी में अभी तक उन्हीं महाराज की हुई, यानी आचार्य विद्यानंद महाराज की, इससे ज़्यादा अभी तक किसी की नहीं हुई है। अगर मैं गलत हूँ तो महाराज, आज तक 55 दीक्षाएं सिर्फ विद्यानंद महाराज जी की हुई हैं, अभी तक उससे ज़्यादा दीक्षाएं किसी की नहीं हुई हैं। हमने दीक्षा महोत्सव भी महाराज का बनाया था, तो ऐसे थे हमारे महाराज। क्या क्या बातें बोलूँ, मेरे ख्याल में अभी भाई साहब ने बोला कि गागर में सागर भरो बहुत मुश्किल है, कई कई दिन लग जाएंगे गुरुदेव के बारे में बताने। पहचान महाराज जी 95 साल के थे, उसमें जो उन्होंने दीक्षा ली वो क्षुल्लक दीक्षा से लेकर के लास्ट तक 75 साल वो दीक्षा में रहे। दीक्षा में रहे 75 साल, दीक्षा में रहे, ये बहुत बड़ा काल है, ना पहले कोई हुआ आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा दीक्षित रहे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराज की, हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव से हम जुड़े, और उसके बाद आज साक्षात हमारे पास उनके शिष्य। हमें तो लगता है कि गुरुदेव सारे गुण जैसे अपने को महाराज के देके गए हैं, और हम लोगों को बहुत टाइम तक लगता है, कमी तो लगती है, पर आचार्य श्री से भी बहुत सी अच्छी बातें हमको पता चलती रहती हैं। अब इसके साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और उसके बाद आपका सब सब बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अंतराय का बंध संचालक को ही होता होगा, सबको बीच बीच में टोकना पड़ता है ना? तो मैं क्षमा भी चाहूँगा और धन्यवाद भी करूँगा। व्यवस्था है, घड़ी की सुइयाँ अपनी गति से चल रही हैं, वो व्यवस्था भी है। और मैं इसी के साथ वंदना पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे ब्रह्मचारी भैया, आदरणीय भैया श्री पुष्पेन जी को, कि वो भी जो है बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनि महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुसागर जी महाराज की, बोलो समाधि महोत्सव की। सिद्धान्नत्वा अर्हद्दिश्च चतुराधाना फलम क्रमाणाहं ध्रुवं भक्षे स्वस्वरूपोपलब्धे। बोलो आचार्य गुरुवर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, महानुभाव आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी मुनि महाराज, एक सूर्य की भांति हैं। सूर्य का प्रकाश
हर क्षेत्र में फैलता है और हर क्षेत्र में फैलने के बाद अंधकार को नष्ट कर देता है और सरोवर में भी कमल खिल जाती है। परंतु जीवन में तत्पर्याय को छोड़े बिना मरण नहीं होता है और मरण को महोत्सव बनाना यदि किसी से सीखा है तो वो दिगंबर संतों से प्राप्त होता है। संसार में जितने भी जीव हैं वे जन्म लेते हैं और मरण को भी प्राप्त करते हैं, परंतु उन जीवों का जो मरण होता है वो बाल बाल मरण होता है, वो मिथ्या दृष्टियों का होता है, वो मिथ्यात गुण स्थान में होता है। परंतु उस मिथ्यात गुण स्थान में जीव मरता है तो चारों गतियों में से किसी भी गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात त्रियंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है और क्या बन सकता है, नारकी भी। पहले गुणस्थान में जो मरण होता है वो चारों गतियों में को प्राप्त होता है, दूसरे गुणस्थान सासादन में जो मरण होता है बाल बाल मरण होता है वह केवल नरक गति को छोड़ करके शेष तीन गतियों में जन्म लेता है। परंतु ध्यान रखना, तीसरे गुणस्थान में कोई मरण नहीं होता, चौथे गुणस्थान में यदि मरण होता है तो पूर्व में जिस जीव ने आयु का बंध कर लिया है, नरक आयु का, त्रियंच आयु का या मनुष्य आयु का यदि बंध कर लिया है तो उस व्यक्ति के लिए पहले नरक को छोड़ करके शेष नरकों में नहीं जाता है और मनुष्य और त्रियंच ही बनता है। परंतु आप एक सम्यक दृष्टि जीव हैं जो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य को प्राप्त करते हैं, वो मरण यदि हमारा और आपका होता है तो नियम से मनुष्य या त्रियंच को बनते हैं। अबद्ध आयु में यदि कोई जीव मरण करता है तो वह जीव मनुष्य और त्रियंच भोग भूमि में भी उत्पन्न होता है और पांचवें गुणस्थान में कोई जीव जो कि बाल पंडित मरण को करता है और बाल पंडित मरण करने वाला जीव, आप सोचना कि मनुष्य और त्रियंच होता है, परंतु छठे गुणस्थान में जो हमारे दिगंबर मुनि महाराज होते हैं, जो आचार्य हैं, जो उपाध्याय हैं, जो साधु हैं, जो परिग्रह से रहित हैं, निर्ग्रंथ हैं, उन निर्ग्रंथ यदि मुनि महाराज छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां गुणस्थान में कोई जीव मरण करता है तो नियम से वैमानिकों में उत्पन्न होता है। विद्यानंद जी मुनि महाराज कौन से गुणस्थान बरती थे, कौन से, छठे, कहां उत्पन्न हुए होंगे, कहां कहां हुए होंगे, कहां पर, वैमानिक देवों में उत्पन्न हुए होंगे। परंतु आप ध्यान रखना, यदि कोई जीव उनके गुणों का श्रद्धा से भक्ति से यदि कोई उनके हमें गुणगान करता है तो उस जीव के लिए भी नियम से यदि देव ना बने तो कोई बात नहीं, मनुष्य तो बन ही। पूज्य महाराज श्री के बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में मरण होता नहीं है और चौदहवें गुणस्थान में यदि मरण होता है तो वो पंडित पंडित मरण होता है, कौन सा, और वो हमारा नहीं हो सकता है, वो जो जीव हमें क्या मोक्ष जाने वाला है,
जीव मोक्ष जाने वाला है और 14वें गुणस्थान में जो मरण करता है वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना। मैंने तो सिर्फ अपने जीवन में 3-4 बार दर्शन किए और एक बात मैं बता देता हूं, नित्यानंद जी छुल्लक जी महाराज थे, उनकी पिसी के लेकर के आया मंत्रित करवाने के लिए, तो महाराज जी ने कभी किसी से नहीं कहा, मेरे से कहा ये पिसी मैं रख लूं। मैंने कहा गुरुदेव आपकी इच्छा है, मैं तो लेकर के आया हूं, रखना आपका काम है और देना किसका। उन्होंने हमें क्या है कि उसको तुरंत मंत्रित किया और मेरे हाथ में दे दी और मेरे से एक बात कही कि मुझे लगता है कि तू मेरे से दीक्षा ले ले। क्या बोला? मेरे से बोला तू मेरे से दीक्षा ले ले। और मैं उस समय बहुत छोटा था और मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया। मैं आपको बता देता हूं कि पूज्य महाराज श्री ने 1-2 बार प्रवचन में कहा कि पहले जो हमें बोला जाता था वो जैन लोग भी राम राम बोला करते थे। आपके मुख से सुना है क्या कि राम राम बोला करते थे, परंतु जे विद्यानंद जी मुनि महाराज की देन है कि आज पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जय जिनेंद्र बोला जाया करता है। पंकज व्याकुल भया, कहां पर आप पढ़ते हैं, कहां पर? तुमसे लागी। अरे पंकज व्याकुल भया, ये जो अमा लिखी हुई तुमसे लागी लगन है ये मथुरा में लिखी गई है। कहां पर? और मथुरा में लिखी जाने के बाद ये कोई पढ़ता नहीं था, कोई जानता नहीं था, परंतु आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनि महाराज की देन है कि उनके मुख से ये प्रत्येक प्रवचन में उन्होंने गाया तो आज पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में तुमसे लागी लगन भगवान के दर्शन करते समय सभी लोग पढ़ते हैं। महानुभाव जो महान होते हैं वो महान कार्य करते हैं, जो महान होते हैं वो क्या करते हैं, वो महान कार्य करते हैं। और वो जमीन पर रहे या ना रहे, वसुंधरा पर रहे या ना रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि उनके बाद हम जो वो छोड़ करके जाते हैं वो हम क्या सदियों तक महान बने रहते हैं। उन्होंने जैन धर्म के लिए और जैन समाज के लिए अपने जीवन से बहुत कुछ दिया, जो ज्ञान दिया वो एक अथाय थी। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे चलते फिरते क्या थे, आगम थे, क्या थे आगम जानते ना, शास्त्र। चलते फिरते आगम थे, तो चलते फिरते आगम वही हो सकता है जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में भी पुण्य का वंद किया और पूर्व जन्म के साथ भी इस जन्म में सब दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु।
तुझसे वीरा करूं भक्ति तेरे नाम की आज से मेरा स्वर तेरा हो गया आज से वीरा हर सरगम तेरे नाम की आज से मेरा मन तेरा हो गया हो तेरे चरणों में आके हो तेरा दर्शन पाके हो तेरे दरबार में जीवन ये सफल मेरा हो गया हो वीरा तेरे गुण गा के हो वीरा तेरा ध्यान लगा के हो वीरा तेरे नाम सपावन ये हर पल मेरा हो गया रखना आज से वीरा करूं भक्ति तेरे नाम की आज से मेरा स्वर तेरा हो गया आज से वीरा हर सरगम तेरे नाम की आज से मेरा मन तेरा हो गया बहुत अच्छा प्रोग्राम। इसी श्रृंखला में जिनवर ज्योति पुंज की सदस्याओं के छोटे छोटे बच्चे। आपका मन इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, मुझे जैन समाज पर रोना आ रहा है। ऐसा क्यों माता? ऐसा इसलिए क्योंकि सभी को पता है कि मेरा स्थान कितना ऊंचा है और मैं कितनी पवित्र हूँ। जी माता, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे अपवित्र कर दिया है और मुझे कहीं भी पड़ा छोड़ देते हैं। जी माता, ये तो बिल्कुल सत्य है। अरे, मैं तो भगवान की मुख की वाणी हूँ। मेरा पाठ करने से सारे रोग एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। जन्म से लेकर मरण तक का सार हूँ मैं। प्रभु की पूजा उपासना सब मेरे द्वारा की जाती है। आप ठीक कह रही हैं माता, फिर भी लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। मेरे पन्ने तार तार हो रहे हैं। अरे लोगों, तुम सब मुझे अशुद्ध हाथों से मत छुओ। आज के दौर में तुम अपना धर्म मत भूलो। फेसबुक व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ने से तुम नरक गति की ओर जाओगे, लेकिन मेरा अध्ययन करने से स्वर्ग गति की ओर जाओगे। बिल्कुल सही माता। लेकिन दिब्बी, तुम यहाँ कैसे? क्या कहूँ माता, मुझे भी किसी श्रावक ने यहाँ पड़ा छोड़ दिया है। अच्छा,
जी माता और मेरे अंदर सामग्री इतनी अधिक भर देते हैं कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और जब मुझे खोलते हैं तो मेरी सामग्री चारों ओर फैल जाती है जो सबके पैरों में आती है। तुम ठीक बोल रहे हो डिब्बी, इससे बहुत पाप लगता है जो कि कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और माता, श्रावकों को तो अच्छी तरह शोध बीन कर सामग्री इस्तेमाल करना चाहिए और हमें शुद्ध हाथों से धोना चाहिए, छूना चाहिए। कोई बात नहीं डिब्बी, हमारा काम था समझाना, हमने आज लोगों को समझा दिया, अब उम्मीद है कि आगे से वो ऐसा ही करेंगे। जी बिल्कुल सही माता। जय जिनेंद्र। छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक धार्मिक सीख और एक बहुत सुंदर नृत्य, जोरदार पुनः एक बार बच्चों के लिए उत्साहवर्धन। अब जो कार्यक्रम आज का है, गुणानुवाद कार्यक्रम, गुणानुवाद सभा, उसके लिए ज्ञानवान पंडित जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। पर सर्वप्रथम जो अनिल जैन जी पारस नेपाल वालों ने कहा कि भगवान आचार्य विद्यानंद जी भगवान महावीर का प्रतिरूप थे, चलते फिर मैं एक परसों रात को लेटा तो मैंने छोटा सा एक YouTube पे उनका परिचय पढ़ा, तो छोटा सा मन में विचार आया न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि जैसे उनका जन्म 22 अप्रैल 1925 को हुआ तो तिथि 22 और समाधि उन्होंने 19 तारीख को ली पर समाधि हुई 22 तारीख को, तो दो और दो चार, चार गतियाँ होती हैं हमारी, वो मनुष्य गति में थे सर्वप्रथम। फिर 22 अप्रैल 1925 का टोटल करें और 22 सितंबर 2019 का टोटल करें तो 7 आएगा लास्ट में अंक। तो 7 तत्व जो जैन धर्म के होते हैं, जीव अजीव सबको पता है, निर्जरा मोक्ष, तो अपने सब कर्मों का निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और अप्रैल में जन्म हुआ उनका, सितंबर में समाधि हुई, तो 5 महीने का गैप है, तो 5 कल्याणक वो करके अपने यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त हुए। और उनका सम्मोषण मैंने देखा था कुनकुन भारती, परसों रात को आया था, उसका मैंने कोई गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, धन्यवाद। और अब आमंत्रित करता हूँ पूज्य श्रद्धे सोनल शास्त्री जी को, वो आए और गुणानुवाद सभा में उनके गुणों का विश्लेषण करें। सोनल शास्त्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत सोनल शास्त्री जी का। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र बोले पंचमी मानता। जैन धर्म व्यक्ति को गौण करके व्यक्तित्व को मुख्य मानता है, क्योंकि व्यक्ति इस संसार से चला जाता है लेकिन व्यक्तित्व अजर और अमर रहा करता है, और आज वह व्यक्तित्व हमारे बीच में विद्यमान है और मैं उस महाव्यक्तित्व को सादर प्रणाम करता हूं। आचार्य समंत भद्र स्वामी युक्त अनुशासन में तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन को सर्वोदयम तीर्थमिदम तवेव कह करके
सर्वोदय की बात कहते हैं कि हे भगवान, आपका जो शासन है वो सर्वोदयी शासन है, यहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की संभावनाएं हैं, निगोद में रहने वाला निगोदिया जीव भी अनंत शक्ति का पुंज सिद्ध परमात्मा बन सकता है, यह प्ररूपणा मात्र जैन दर्शन करता है, जैन धर्म करता है, और उसका मार्ग संलेखना से होकर के जाता है। पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज हमारे बीच में एक शरीर के रूप में, व्यक्ति के रूप में भले नहीं हो, लेकिन ये एक यशा कीर्ति के रूप में और यशा शरीर के रूप में और अपने व्यक्तित्व के रूप में ना केवल आज बल्कि युगों युगों तक याद किए जाएंगे। उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा को भी संसार से अवगत कराया है, चाहे वह आज हमको बहुत सरल सा लगने वाला यह प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे इस डायस पर बना है, तीन लोक का नक्शा है, हाथ है, यह चिन्ह कहां से आया आप जानते? अब तो अनुमान लगा ही लिया आपने, समझदार हैं। यह देन है साधु ने, किसी जैन साधु की सन्निधि में अगर देश का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री आकर के नतमस्तक होता हो तो वो था गोमटेश्वर बाहुबली का सहस्राब्दी महोत्सव, और जहां पर इंदिरा गांधी चरणों में नतमस्तक थी, ऐसे थे दिगंबर मुनिराज आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज। बंधुओं कहां कहूं, कितना कहूं, ये केवल राजनीति के क्षेत्र में उल्लेख नहीं थे। इतना हमें देना चाहे फिर कुछ न भले देना गुरुवर, क्या देना कि जब प्राण पखेरु तन से उड़े मंगल ही मंगल हो, जब प्राण पखेरु तन से उड़े मंगल ही मंगल हो, मुनियों का मंडल हो संग पिछी का मंडल हो, मुनियों का मंडल हो संग पिछी का मंडल हो, मुनियों का मंडल हो संग पिछी का मंडल हो। श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, और अष्ट कुमारियों के लिए भी अभी हमने 25,000 रुपए की एक अष्ट कुमारी की राशि रखी है, जो 56 कुमारी हैं उसकी राशि 11,000 रुपए की है, तो वो बच्चे भी आ जाएं और गुरु चरणों में श्रीफल। होगों के सजादों किया तुमने गुरुवर, हमें हो गए हैं तेरे दीवाने, के सजादों किया तुमने गुरुवर, हमें हो गए हैं तेरे दीवाने। बिना किसी विलंब के और बिना किसी भूमिका के हम पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करें, उससे पूर्व एक छोटा सा कार्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आप चतुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आप चतुर्मास। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मारे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास, गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास, तुम्हारा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, तुम्हारा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा।
सुना के हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। हम सुख में रहे या दुख में, हम सुख में रहे या दुख में, बस रखना हमारा ख्याल, गुरुवर हमको दे दिए जन्म जन्म का सार। साक्षात विराजमानाय अष्टोत्तर शतक श्री विभूषिताय निर्यापक पट्टाचार्य सुत सागर मुनि राजाय 2023 चातुर्मास स्वीकृति प्रदानार्थम अनर्पक प्राप्ते अर्घ्यम निरूपयामते। ओ गुरु ने सुन ली मेरी पुकार, अपनी तो दुनिया बदल गईया। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार, अपनी तो दुनिया बदल गईया। चांदी चांदी हो गई रे चांदी, सोना हो गई चांदी, चांदी हो गई मेरी चांदी, सोना हो गई। संसार में सारे घूमाया पर चैन कहीं ना पाया, मैं रोते रोते बड़ी मुश्किल से फिर तेरे द्वारे आया मैं। अब ना किसी की है दरकार, गुरु ने सुन ली मेरी पुकार। चांदी ही चांदी हो गई रे चांदी, सोना हो गई चांदी ही चांदी हो गई रे चांदी, सोना हो गई। ओ भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने गए आए गए। ऐसे नहीं, दोनों हाथों उठाएंगे एक बार सभी लोग, बोल जयकारा गुरुदेव का। और मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने के आगे गए, हाँ तेरे गुरु महाराज तेरे। चलिएगा अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइएगा। अब पूज गुरुदेव के चरणों में हम चलते हैं। अब जिसका समय था अब वही समय आ चुका है और चलते हैं। हेलो, जो भव से पार कर, देखिए जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, कीपिंग नहीं करता, तो हमारे गुरुवर ऐसे हैं जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक हर तरीके के प्रवचन देते हैं। जैसे इल को किल करो स्किल डेवलप होगी, तो बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से, बड़ों के लिए बड़ों के हिसाब से, तो चलते हैं ऐसे पावन गुरु के चरणों में कि वो अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। तो एक बार जोरदार तालियों से आचार्य श्री गुरुवर से प्रार्थना कि अपने मंगल प्रवचन से हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः। जय बोलो अनंत अनंत परम चेत भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधर आचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। महानुभाव आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ऋषभदेव के इस विशाल मंदिर में रोजाना पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और ये बहुत महान पुण्य के उदय से मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने ये मंदिर के लिए कितना प्रयत्न किए और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आप लोगों ने उस मंदिर को और सुंदर बनाया। अभी अभी पीछे पंचकल्याणक भी कराया, और इसके लिए आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से पहले भी पंचकल्याणक हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से दोबारा भी पंचकल्याणक हुआ, दो बार पंचकल्याणक हुए यहाँ, और इतना विशाल हॉल बनाया। आज बड़ा अच्छा लग रहा है इस हॉल में, मैं पहले बार ये कार्यक्रम का आनंद का अनुभव कर रहा हूं। हमारे कृष्णानगर जैन समाज वाले
बहुत भव्य चतुर्मास का आयोजन कर रहे हैं। 48 दिन का भक्तामर पाठ धूमधाम से कराया। शुरू शुरू में सब लोग बोल रहे थे 48 दिन कैसे होंगे, और बाद में बोल रहे थे 48 दिन कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। जोर से बजाओ। बस बस, नाश्ते के लिए इतना बहुत है। तो कहने का आशय ये है, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने पूरे दिल्ली समाज को, पूरे भारत के, पूरे विश्व के जैन समाज को कितने चीजें दिए, हर चीज दिए। अभी सोनल शास्त्री जो हमारे धर्मानुरागी पंडित जी जो है, बहुत सुंदर है कि विमल पुराण लिखा है, विमल नाथ पुराण संस्कृत में उसका अनुवाद किए, संपादन किए कृष्णदास ब्रह्मचारी द्वारा, ये विरचित है। हमारी ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र भैया जो है, बहुत सुंदर समाधि के बारे में बहुत सुंदर इन्होंने विवेचन किया। और आचार्य श्री ने जो परिकल्पना की थी समाधि, मतलब हर व्यक्ति को ये चीजें जो है उपलब्ध नहीं होती। शुरू में हमको उन्होंने बोला 48 दिन का मैं निर्जल करता हूं, फिर बोले 3 दिन उसके अलावा करूंगा। उनने महान संलेखना ली, और उनका शरीर कितना बड़ा था। मैंने बोला आपका शरीर घटता जा रहा है, बोले इसी का नाम संलेखना है। क्या है? हाँ, एक दिन मैंने बोला आपका तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है शरीर जो है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो बोले मेरे को हंसाने के लिए काम कर रहे हो, हैं? उसने दी महाराज जी, हम थे, आप लोग ट्रस्टी लोग भी थे। मैंने बोला अब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बड़े खुश होकर मुस्कुराते थे। और उन्होंने स्वयं के कल्याण के साथ विश्व कल्याण के परिकल्पना की। हमेशा वो बोलते थे विश्व धर्म की जय, हमेशा बोलते थे जैन धर्म विश्व के प्राणी मात्र के धर्म है, हर एक के लिए है। जैन धर्म के सिद्धांत हर व्यक्ति अपनाए, ऐसे सरल और सुगम और वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। और वो उपदेश भी इतना सुंदर, इतना सटीक बताते थे, और एक चीज को बार बार समझाते थे, हर बार समझाते थे। 10 लक्षण में हर बार वो चीज बताते थे, याद दिलाते थे। हाँ भैया, बार बात कर रहे, देखो, हेलो, ओम नमः। तो महानुभाव आचार्य श्री कहते थे, हाथ जोड़ो, मत टुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। महाराज जी कहते थे किसी को टुकराओ नहीं, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। पर ये भी कहते थे अनुशासन के लिए उनको दीक्षा के साथ शिक्षा भी देना जरूरी है, शिक्षित करना भी जरूरी है, ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। तो महानुभाव बहुत सारे चीजें महाराज जी बोले, वो सारे हम बोल नहीं सकते। हाथ जोड़िए, निर्मल मन ही उत्तम तीर्थ है। क्या सुंदर बात बताए, निर्मल मन ही उत्तम तीर्थ है। लिख के भी देते थे, हमारे किताब में, डायरी में लिख के देते थे, निर्मल मन ही उत्तम तीर्थ है, फिर अपने नाम लिखते थे। एक और स्लोगन लिखते थे, मैं बोलता था बार बार यही बोलते हो, फिर वो लिखते थे निर्मल आत्मा ही, बोलो, हाथ जोड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारा आत्मा निर्मल मुंह बना के होता है। हाँ भाई, मुस्कुराओ थोड़ा,
निर्मल आत्मा ही समय सार है, शेष सब मन का विकार है। मन में विचार आ रहे, मन में विचार आते और चले जाते हैं। तो आचार्य श्री बोलते थे, दो चीजें हम बोलते हैं, मर गया। क्या बोलते हैं? दो चीजें बोलते हैं। मरने वाला कौन है? शरीर। मरने वाला कौन है? जाने वाला कौन है? आत्मा है। क्या सुंदर बात बताए, बिल्कुल संक्षेप में दो वर्ड में बताए सारा दुनिया। मरने वाला शरीर है और मन है। तुम लोग बोलते हैं ना, मन को मार करके मैंने पैसा इकट्ठा किया। किसको मार के? मन को मार के। पेट काट के पाला तुमको। क्या बोलते? ऐसे नहीं कि चक्कू लेके काट रहा है, मतलब खुद भोजन नहीं किया, बच्चों का ध्यान रखे। सबसे पहले होता था नौकरी। क्या होता था? जोर से बोलो, हाथ ऊपर करो, ऐसे सब लोग करो, थोड़ा और ऊपर करो, दिखाई दे। एक कमाए नौ बनाओ, नौ खाए, नौ बनाओ, एक पांच एक चार, एक कमाए एक करो, पहले एक करो, एक कमाए नौ खाए। नौकरी है, क्या है? लालच बढ़ गई, लालच बढ़ गई तो अब चाकरी हो गया। क्या हो गया बाबा? सारे समझना जरूरी है। एक कमाए ऊपर करो, एक कमाए चार खाए, चाकरी हो गया। फिर लालच बढ़ गई, फिर लालच बढ़ गई, तनख्वाह हो गया। क्या हो गया? हाथ ऊपर करो, एक कमाओ एक तन को ख्वाओ, एक कमा एक तन को ख्वा, तन ख्वा, बोलो तन को ख्वा, किसको ख्वा? तन ख्वा, बोलो। अब और बेचैनी बढ़ गई और लोग बढ़ गए। अब क्या हो गया? हाथ ऊपर करो, बेतन, एक कमाए एक तन को भी पर्याप्त ना रहे। कल ही एक लड़का बोल रहा था, एप्पल का मोबाइल बड़ा महंगा होता है, मेरे को वही चाहिए। हाँ, मम्मी पापा से कह रहा था, देना हो तो वही दो, नहीं तो अपना दो। अपने पापा को बोल रहा था, देना हो तो वही दो, नहीं तो अपना ही दे दो, आप कोई और ले लेना। मतलब इच्छाएं जो है, पहले पिताजी को बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, बाप आते ही बच्चे घुस जाते थे कोने में, घबरा जाते थे। अब बच्चे आते माँ बाप कोने में घुस जाते हैं, पता नहीं क्या कहेगा क्या करेगा। पहले बच्चा पूछता था, आचार्य श्री ने बताया, पहले बच्चे पूछते थे, मम्मी ये क्या चीज है, पापा ये क्या चीज है। तो माँ बाप बच्चे को पूछते हैं, थोड़ा आ जा मोबाइल में, इसको हैंग हो गया, ये व्हाट्सएप खोल के दे दे, फेसबुक नहीं चल रहा है, नेट कहाँ से शुरू होता है, फलाने होता है, उससे पूछ रहे। तुमसे ज्यादा अब मोबाइल का ज्ञान किसको है? हाँ, कल एक छोटा सा बच्चा आया था, वो बोलना नहीं जानता, सारे चीजें खोल देता है। हाँ, टीवी का भी पता है क्या चलाना है, बहुत छोटा सा है, दो साल का भी नहीं है। हाँ, तो कहने का आशय है, जमाना, जोर से बोलो, हमें भी बदलना है। महाराज जी कहते थे, वही चीज मैं बता रहा हूं, बोलो महाराज जी, क्या हाथ जोड़ो, जमाना बदल गए, स्वयं को बदलो, दूसरे को, हाथ ऊपर करो, दूसरे को मत बदलो, स्वयं को सुधारो, दूसरे को सुधारने की जरूरत है। हाथ जोड़ो, हर व्यक्ति
स्वयं स्वयं को सुधारे सारे सुधर जाएंगे। बड़े महाराज जी बोलते थे दूसरे के सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, अपने को सुधारो। समझ गए ना, रास्ते के पत्थर को बोलो अपने पल्लू में मत भरो, स्वयं हट के चलो। हाथ करो, स्वयं हटते हुए चलो, उसके ऊपर मत चलो, उससे बच के चलो। तो महानुभाव आचार्य श्री बिल्कुल संक्षेप में बोलते थे, कहते थे गन्ने जैसे इतना बड़ा उपदेश से, चीनी जैसे इतना उपदेश, मिश्री जैसे, उससे किसके जैसे, जोर से बोलो। वो जो कविता भी बोलते हैं ना कवि सम्मेलन वाले, कविता एक मिश्रा सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, मिश्रा, मिश्रा बोलते हैं, मीठा, मिश्री, वैसे उसका नाम मिश्री है, क्या है, मीठे बोल बोलो। आचार्य श्री बोलते थे इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोलने के बजाय थोड़ा सा बोलो, उसी में कल्याण है। आचार्य श्री ने जो जैन धर्म दर्शन के लिए जो दिया, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए जो उन्होंने किया, वो वर्णन नहीं कर सकते। हमारे सोनल शास्त्री जो है अभी चीजें बता रहे थे, कितने चीजें किया उन्होंने। अब कहीं भी देखते, ये देखते झंडा देख लेते हैं, पचरंगी झंडा, जैन जो लिख रहे हैं ना, पहले पाटनी, पाटिल, पलाने, ये सारे लिखते थे, हाँ लोहिया, हाँ भाई लोहिया, ये जानता है लोहिया जो है, लोहे वाले जानते हैं ना, हाँ 27 साल से ना, उससे पहले भी जानता था, अब और ज्यादा जानने लग गए। तो ये नाम होते थे पहले, लोहे वाले, कोयले वाले, खंडे वाले, खिचड़ी वाले, हाँ ऐसे, कीरपुड़ी नाम था, कीरपुड़ी, क्या नाम था, अब सब क्या बन गए, जैन। के महाराज जी ने 2500 निर्वाण उत्सव के उपलक्ष में कई सारे चीजें चिन्ह बनवाए, गाय शेर का एक गांठ में पानी पीते, ये भागवत में लिखा है। हाथ जोड़ो, क्या लिखा है, हाथ जोड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो बैर त्यागा है, अहिंसा के प्रतिष्ठा होने पर भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में शेर और गाय एक घाट में पानी पी रहे थे। वो अभी भी घाट है वहां पर, आज भी एक ही घाट पे शेर और गाय पानी पीते हैं बद्रीनाथ के रास्ते में। आज भी वहां जाते शेर कुछ भी नहीं कहता, पानी पी के जाते दोनों। क्यों कुछ नहीं कहता बता सकते हो, जब पानी पीता है उसका पेट भरा होता है, क्या होता है, पेट भरने के बाद किसी को कुछ नहीं कहता है। हिरण भी साथ में साथ इकट्ठे चलते हैं, अगर पेट भर गए ना कुछ भी नहीं कहता है। हाथ जोड़ो, मनुष्य एक ऐसे प्राणी है पेट भरने पर भी तसल्ली नहीं रखता है, पेटी के लिए दौड़ता है। पेटीएम है ना, क्या है, हाँ पेटीएम बना लिया है, क्या बना लिया है। हाथ जोड़ो, पेट तक तो ठीक था, हद तो तब हो गई, वो पेट का पेटीएम बना दिया, अब सेठ का सेटीएम भी बना सकता है कोई, सेठ का सेटी हम बोलो, ये भी बना सकता है, समझ गए ना। तो कहने का आशय ये है, आचार्य श्री ने जो है अपने जीवन को मंगलमय बनाया और क्रम से सिस्टमेटिक ढंग से सारे करते गए, बड़े अनुशासनबद्ध तरीके से होते थे कार्यक्रम। ये हम लोगों ने किया कार्यक्रम इस तरीके से, महाराज जी का करने देते हैं, सब सवाल ही नहीं उठता है, ये सब नाचना कूदना पसंद, मैं भी नहीं करता हूं, पर मेरे मजबूरी, अब वो कर रहे बच्चे क्या करें,
हाँ, परसों वहाँ बैठे थे महाराज जी, वहाँ हमारे छोटे महाराज जी कार्यक्रम करा रहे थे, जिद करने लग गए, चक्र जी लेके गए, 5.5 घंटा बिठा के रखे, 5.5 घंटे। और वही राजनीति फलाने ये चीजें करते ने। मैं तो बस बड़े महाराज को याद करता रहा, चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठ गया था। मैं गए थे तो बैठना पड़ेगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रेशर किया और मैं वहां पर चला गया। नाम भी अब लेना नहीं चाहता हूँ, हो गया, अब नाम लेके भी क्या करेंगे, या उसका भी आनंद लो जो हो गया। बोलो, जो हो गया सो हो गया, गया, समझ गए ना। जिंदगी बोलो आई गई हो गई, दोबारा बोलो, हाथ जोड़ो, जिंदगी हो गई, मुड़ के देखा जिंदगी पहाड़ से लगने लगी, क्या क्या किया, क्या क्या किया। दोबारा बोलो, जिंदगी आई गई हो गई, हाथ करो, आई गई हो गई, पीछे मुड़ के देखा जिंदगी पहाड़ से लगने लगी, समझ में आ गए कि आचार्य श्री कहते थे क्या क्या किया। समाधि से 15 दिन पहले वसुनंदी महाराज जी हम दोनों बैठे थे, क्या याददाश्त थी उनकी, हर चीज याद थे उनको शुरू से लेकर के। हमको बताया कि आप ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था आप क्या कर रहे थे, अरे क्या कर रहे थे उसी के चक्कर में दीक्षा लेना पड़ा। हमने बोला क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। बोले वो जो हमारे पड़ोसी पाटिल है ना, बोला नीम के पेड़ के ऊपर और बैंक के ऊपर तिरंगा झंडा चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है। मैं 18 साल का था, ज्यादा ताकतवर था, वो भी ताकतवर था। उन दोनों को घर वालों ने खेत के कमरे में बंद कराया और बीच में जो दीवार था उसके अंदर छेद करके दोनों आपस में मिलते थे। क्या दीवार जो खेत के बीच में था ना, उसमें छेद करके मिलते थे। मैंने बोला ऐसी क्या बात थी उसमें मिलते थे। बोले वो झंडा चढ़ाना था ना, उसका प्लानिंग बना रहे थे। आप सोचो, महाराज जी स्वतंत्रता सेनानी थे और वो दोनों मिल करके प्लानिंग करके रात को 11:30 बजे झंडा उंडा तैयार करके का बहुत बड़ा और पेड़ पे ऐसे जगह में बांधा, 3 महीने तक कोई उतार नहीं पाया उस झंडे को, सबको दिखाई दे रहा था। कितने महीने तक, आप सोचो। और बैंक के ऊपर से तो उतर गई थी वो, पाटिल ने बैंक के ऊपर बांधा, अंग्रेज जहां बैठते थे वहां बांधा, जो रोज जाते थे अंग्रेजों ने गुस्से में आके वो तो उतार दिया। और आचार्य श्री जब कोई काम करते थे वो पक्का करते थे, मेरे को कहते थे कि जो काम करता हूं ना मैं बिल्कुल पक्का करता हूं, मैं भी वही काम करता हूं। अब देखो मंदिर के कितना सुंदर बन गया, प्रेरणा दी इनको, करो, करते गए लोग। मेरे विजय बाबू और वो भैया कहाँ गए, इधर अरविंद जो है ये बेटा है। मैं वैशाली से आया, ये कुसुर पुसुर कर रहे थे, मैंने एक बार जोर से लताड़ लगाया, महाराज जी की तरह डांट लगाया, डांट लगा के जो एक्टिव हो गए ना ये, उसके बाद आज तक एक्टिव चल रहा है। डांट लगाते थोड़ा बुरा तो लगता है, बड़े महाराज जी बोलते थे एक बार तो लगाना पड़ेगा तुमको, हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करोगे तो वो काम होगा। तो कोई काम ऐसे असंभव नहीं है, हाथ जोड़ो। आचार्य श्री कहते थे बोलो, कोई काम असंभव नहीं है, पर अपने आप को तैयार करो, इम्पॉसिबल को एक कॉमा लगा के आई एम पॉसिबल करो, क्या लगा के, कॉमा लगा के, हाथ करो, कॉमा लगाओ,
आयम के बाद में ऐसे घुमाओ हाथ को, पेन लियो हाथ में, ऐसे महसूस करो पेन है, कोमा लगा, कोमा करो, कोमा लगा के आई एम पॉसिबल करो। महाराज जी कहते थे असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है, बस अ को हटा देना। क्या करना? असंभव में से अ को निकाल लेना, संभव हो जाएगा। हाथ जोड़ो, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। जोर से बोलो, पूरा बोलो, उलझू स्वयं में ऐसा मैं खुद को भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी हमको ना बुला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। महाराज जी सुनते थे, मैं बोलता था, महाराज जी सुनते थे, महाराज जी सुनते थे, लेटे रहते थे, ये वाला भजन सुनाता था मैं, गुरुदेव मेरी नहीं है। हाँ, गा के तो सुना रहा हूं मैं, तो तैयारी करनी पड़ती है ना। वो तो ठीक है, मैं कविता जैसे सुना रहा हूँ इसको, है तो ये भजन है, भजन है, कविता के तरह सुना रहा हूँ, उसका भी आनंद लो। पर्वत कड़ा जगह पर, बोलो हाथ से पर्वत बनाओ, पर्वत कड़ा जगह पर पुरुषार्थ शिल्पी करता, दाहिने हाथ से करो, पुरुषार्थ शिल्पी करता पर्वत को काट करके मूरत प्रभु की गढ़ता, तुम शिल्पी मैं हूं पर्वत भगवान बना देना। गुरुदेव मेरी नैया दलबल के साथ माया, हाथ जोड़ो, जो आके मुझको घेरे मेरे जिंदगी में छाए चारों तरफ अंधेरे, तुम देखते न रहना जट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया, महाराज जी बड़े ध्यान से सुनते थे, रोज सुनाता था मैं, और बाद में बोलते थे महाराज जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया, कविता भी सुनते थे, समय सार के गाता ही सुनते थे, शास्त्रों के श्लोक सुनते थे, सूत्र सुनते थे, सारे जीवन भर कहते थे आखिरी क्षण तक जिनवाणी का आराधना उनके स्वाध्याय करते करते ज्ञान आराधना में मेरा अंतिम समय तक चलता रहे उसका आनंद लो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बोलो हाथ जोड़ो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान व्यक्तियों के समय काव्य शास्त्र विनोद में निकल जाता है। ये जी हम लोग कार्यक्रम करे भगवान महाराज जी के बहाने से, हम अपने आप को महाराज जी से जोड़ रहे, भगवान से जोड़ रहे, बोलो अंतरात्मा को, बोलो परमात्मा से जोड़ रहे हैं, ये वर्षा योग है। जैन योग में बोलो कौन सा योग चल रहा है? वर्षा योग चल रहा है। कौन सा योग? हम अपने तन को, बोलो मन को, चेतन आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं। तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, और चेतन आत्मा है, बोलो, इसलिए ये पवित्र है। कैसे पवित्र है? जब तक ये है, बड़े महाराज जी बोलते थे जब तक ये चेतना है तब तक ये पवित्र है, ये पावरफुल बना हुआ है, ये घूम रहा है। हाथ जोड़ो, तन में चेतन है, ये हीरो है, हीरो बन के फिरता है। हाथ ऐसे करो, हीरो बन के फिरता है, जब ये उड़ जाता है जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। हीरो है, क्या है? हीरे है, बोलो
हाथ जोड़ो, हाथ ऐसे करो, हीरे है, हीरे है। रतन है, है। इसलिए ये हीरो है, हीरो है। रत्नत्रय है, बोलो, इसलिए हीरो है, हीरो है। रत्नत्रय के जाते ही हीरो जीरो हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। बोले ये वही आंके, बोलो, देखते रह जाते हैं। बोलते ना देखते रह जाओगे, क्या बोलते, ये आंके, बोले हे आंके, जब तक मैं हूं मैं देखता रहूंगा, मेरे जाते ही तुम दोनों देखते रह जाओगे। समझ भी नहीं आएगा, आएगा जब बड़े महाराज जी का अंतर आत्मा निकले और वो शरीर ऐसे हो गए, बिल्कुल आंख खुले रह गए, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते हुए गए। मेरे को बोला था मैं मुस्कुराते हुए जाऊंगा, ध्यान रखना, पहले 48 दिन के, फिर 3 दिन के यम सलेखना ले रखे थे, शरीर को उन्होंने क्रश किया। बोलो सम्यक काय कषाय लेखना सलेखना, सम्यक रूप से शरीर को क्रश करना सलेखना है। हाथ जोड़ो, काया को जलाने से पहले कषाय को जलाने दो, चंदन के वो मंद मंद आंच, कषाय को क्या जलाएगा, चंदन के लकड़ी कषायों को जला पाएंगे है? चिता चिता से तो, जोर से बोलो, तन जलता है, चिता से तो तन जलता है, चिंता से तन चेतन जुलसा है। ये संसारी आत्मा जो चिंता से जुलस जाता है, चिंता से तन चेतन जुलसा है, काहे का ये जलसा है, जलसा जो चलता है, है? अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। तो जो समय, बोलो, यह आत्मा, यह अंतरात्मा आत्मा के लिए दे रहा है, स्वयं को दे रहा है, धर्म ध्यान को दे रहा है, वो समय अपना है, बाकी सब सपना है। एपिसोड है ये, क्या है एपिसोड, हाथ जोड़ो, जिंदगी सीरियल है, दोबारा बोलो, समझ में आ गए, बोलो सी, बोलो सी, रियल, रियलिटी को देखो, हम रियलिटी नहीं देखते। अभी मैंने उस बच्चे को बोला कंट्रोल शिफ्ट, क्या बोला, मोबाइल कंट्रोल, पढ़ाई में शिफ्ट है। अच्छा, मैंने दोबारा बोला जंक फूड कंट्रोल, हेल्दी फूड शिफ्ट, बोले ये नहीं बोलूंगी। मैंने बोला क्यों, ये क्यों नहीं बोलेगी, अभी नीचे की बात बता रहा हूँ। बोले महाराज मैं ना ये नहीं कर सकती हूँ ना। उसके मम्मी से पूछे, अभी भी खा रही है, बोले थोड़ा कम कर रखा है। बाबू तुमने कंट्रोल तो कर रखा है, बोले हाँ थोड़ा थोड़ा किया है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो, बोलो कंट्रोल, बोलो शिफ्ट, सलेखना, बोलो कंट्रोल शिफ्ट, जंक फूड कंट्रोल, बोलो हेल्दी फूड शिफ्ट। सलेखना का मतलब मरना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करके, बोलो मोटापे पे कंट्रोल करना, बोलो हेल्थ में शिफ्ट करना सलेखना है। आचार्य श्री ने बताया सलेखना का मतलब ये नहीं है कि मरना नहीं है, सम्यक काय कषाय लेखना, सम्यक रूप से, बोलो, शरीर को मोटापे से कंट्रोल करके हेल्दी में शिफ्ट करना, मोटापा कंट्रोल, बोलो हेल्दी में शिफ्ट, कोई प्रॉब्लम है? अशांति से कंट्रोल शांति में, चंचलता कंट्रोल ध्यान में शिफ्ट, बुराई से कंट्रोल अच्छाई में
शिफ्ट, ये कंट्रोल शिफ्ट है, बोलो संलेखना, हाथ जोड़ो संलेखना, कंट्रोल शिफ्ट, धीरे धीरे करके अपने आप को कंट्रोल करना, स्वास्थ्य जीवन की ओर शिफ्ट करना। हाथ ऐसे करो, जेनिफाई, जोर से बोलो हेल्दीफाई, जेनिफाई का मतलब हेल्दीफाई। अरे जैनिज्म को अपनाएंगे, जैन फूड को अपनाएंगे, हम नियम को अपनाएंगे, बंधावा भोजन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं बंधावा भोजन को, आजकल क्या बोलते हैं बंधावा भोजन को, ना नो इंटरमीडिएट पास्ट, क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट पास्ट बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट पास्ट क्या, बंधावा भोजन दो बार करना, तीन बार करना, फिक्स कर लिया, बीच में कुछ नहीं खाना, तो उससे तन मन चेतन, बोलो हाथ जोड़ो, बंधा हुआ भोजन अर्थात इंटरमीडिएट पास्ट तन को स्वस्थ करता है, मन को स्वस्थ करता है, धन को भी स्वस्थ करता है, चेतन को भी स्वस्थ करता है। समझ में आया? तो ये जैनिज्म है, इंटरमीडिएट पास्ट क्या है, जैनिज्म है। महावीर भगवान ने बताया बंधा हुआ भोजन खाना, क्या करना बंधा हुआ भोजन। तो महानुभाव आचार्य श्री ने हमको सबको ये बताया कि सब लोगों को जैनिज्म को सीखना है। आज महाराज जी का चतुर्थ समाधि दिवस लिख रखा है, कौन सा समाधि दिवस है, चौथा है ये, ये तीसरा है, तीसरा पूरे होके चौथा है, नहीं भैया जो हुआ था ना, भैया जो हुआ था उसको पहले मानते हैं, जो हुआ था सबसे बड़ा और पहला है वो, ये बात ध्यान रखना, इसलिए चौथा है। समझ रहे ना, जो हुआ वो महत्वपूर्ण, वो भूल जाते हैं। ओम नमः। लोग जन्मदिन कब मनाते हैं, पहले को मनाते हैं, दूसरा पहले, दूसरे को पहला मनाते हैं, दूसरे को क्या मनाते हैं, अरे वो दूसरा है, जब ओरिजिनल जन्म ही नहीं माना तो दूसरा कहां से आएगा, वो जो ओरिजिनल है वो सबसे बड़ा दिवस है, पहला है, इसलिए उसी हिसाब से चौथा है। तो महानुभाव तीन साल हो गए, चौथा है, तीन साल कंप्लीट हो गया, ये चौथा है। तो हम कोशिश करेंगे हर साल मनाएं, कोरोना काल के वजह से समाधि दिवस नहीं मना पाए थे, हर साल मनाएंगे, मनाते भी है, जन्मदिन भी मनाते हैं महाराज जी का। अभी विमल सागर महाराज जी का 107वां जन्मदिन वहाँ लाल मंदिर में मना रहे थे, मैंने बताया था वो निमित्त ज्ञान कैसे, मैंने सीखने गया था वहाँ सोनागिरी में, कम से कम दो तीन महीने वहाँ रुक के निमित्त ज्ञान सीखने के लिए कैसे होता है। महाराज जी बोले बैठो एक दिन मेरे को, आज तुमको पक्का सिखा दूंगा। तो बोले आज सिखाओ, तो विमल सागर महाराज जी का बता रहा हूँ मैं, तो वो महाराष्ट्र से कोई आए थे, बोले महाराज हम बहुत परेशान हैं। बोले क्यों? बोले घर में परेशानी है। महाराज जी ने बोले घर में नहीं, तुम्हारे मंदिर में परेशानी है, मंदिर में परेशानी है। तो बोले हाँ महाराज मंदिर में परेशानी है। बोलो गेट को थोड़ा ऊंचा बनाओ, जो पत्थर का छोटा गेट बना रखा ना, 3.5 फीट का गेट था मंदिर में घुसने का, घर बड़ा होता है वहां पर, घर में एक मंदिर अलग से भी होता है, हर घर में मंदिर होते हैं, आरा में तो बड़े इतने, इससे भी बड़े बड़े मंदिर है आरा में, एक के घर में जल मंदिर है 5 एकड़ में बना हुआ है, कितने हाँ जल मंदिर है उसके घर में, हर घर में मंदिर है, शिखरबद्ध मंदिर है हर घर में। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद में फिर आए वो लोग, बोले महाराज वो तो अब बहुत अच्छा हो गए, आपने आशीर्वाद दिया समझाया। फिर मैंने पूछा कि आपने ये कैसे बताया? अरे कुछ नहीं, उसके सबके यहाँ पर सबके चोट लगी हुई थी निमित्त ज्ञान है ना, निमित्त देख लिया, चोट लगी हुई थी, मतलब गेट लगता होगा पागल जो है
बता दिया, वो गेट ही था जो चोट लगती थी, समस्या यही थी, समझ गए ना, और गेट ऊंचा करा दिया, ठीक हो गया। हम मैंने बोला मैंने भी सीख लिया अब कैसे करना है, मेरे पास भी लोग आते तो पहले ही बता देता हूँ, कई सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं। हाँ ये तो संक्षेप बताया मैंने, ऐसे ऐसे चीज़ें भी बता देते थे आप सोच नहीं सकते, हाँ नहीं सोच सकते, ये तो समझाने के लिए बताया। तो महानुभाव आचार्य श्री, तो आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज तो पहले बता देते ये सब होगा। आओ बजाओ जोर से बजाओ, बस बस बस, अभी वो तो तुम्हारे तैयारी हो रही है ना, बोलो आराम, जो भगवान का नाम लेता है हाथ ऐसे करो, आ किसको बुला रहे, राम में 24 भगवान है, कितने भगवान है, रा से ऋषभ देव, बोलो माँ से महावीर, राम में 24 भगवान है, कितने भगवान है, 24 भगवान है, ऋषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान, बोलो 24 भगवान है राम में, बोलो अब बोलो आ, आगे बोलो राम, हाथ खोलो, देखो तुम्हारे अंदर आए, देखो 24 भगवान, हथेली में देखो, दोनों हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो ऐसे, दोबारा बोलो आ राम, हथेली में देखो 24 पर्व है ना, ऋषभ देव से महावीर तक सारे राम आ गए, देखो आए नहीं आए, दोबारा देख लेना। अच्छा जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसके लिए अलग शब्द बनाया, जो भगवान से दूर रहता है, बुढ़ापे में भी चेनना है, पैसे कमाने में लग रहे हैं, क्या कर लेगा है, उसके लिए एक शब्द और बनाया, बता दूं, कहो तो बता दूं मैं, वो विश्राम है, क्या है, राम में क्या घोल रहा है, विष घोल रहा है, पैसे के पीछे बना, उसी के लिए बताया, वीर नाम कड़वा लगे, बोलो मीठो लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, ये तो तुमको पता है इसलिए मैंने ये बोला नहीं, मुझे पता था तुम बोलोगे, मेरे को क्यों बुलाने गए थे जब पहले से पता है, है? अब कौन सा आराम हो गया, आराम बोलो, जो आराम नहीं करता भगवान का नाम नहीं लेता है उसके लिए क्या वर्ड बनाया, विश्राम, और एक राम और है, कहो तो बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो हल्दी राम है, बार बन रहा है, अभी छोड़ते सब भग जाएंगे। तो बड़े महाराज जी बोलते थे, बड़े महाराज जी के एक महिला आके पूछने लगी, महाराज व्यवस्था है, महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आया व्यवस्था है, वो बोले हाँ पंडाल की व्यवस्था है, वो नहीं वो तो आपका उपदेश होगा, उसके बाद की व्यवस्था बताओ, हाँ उसके बाद की क्या व्यवस्था, घर जाना है, महिला वो नहीं अम्मा भोजन पूछ रही है, बोला हाँ हाँ व्यवस्था है, बोले फिर तो चाहे कितनी देर तक बिठाओ कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था है तुम्हारे, है व्यवस्था है। तो कहने का आशय ये है, महाराज जी छोटे छोटे बातों पे बड़े गौर करते थे, और उनके बातें कितना चर्चा करें बहुत कम है, बहुत नई 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 बातें बता देते थे। तो कहने का आशय यही है, जैसे आप लोग शांति से बैठते हैं वो सब उन्हीं का देन है, जैसे मैं एक बार ओम नमः बोलता हूँ ना सब शांत बैठ जाते, महाराज जी बोलते थे ओम नमः क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद सब शांत हो जाते, हाँ ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, महानुभाव ऐसे बोलते थे महाराज जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाराज जी का बोल के बता रहा हूँ मैं,
तो आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है। महाराज जी के जो ये चतुर्थ समाधि दिवस हम मना रहे हैं, मैंने इनको इसलिए बोला अपने हॉल में रखो, इनको समझ में अब आ गया। जब सुबह बारिश हो रही थी, पंडाल लगाते हैं वहाँ पर, पंडाल लगाते हैं, बारिश होती कीचड़ बनती, वर्किंग डे है, अब पूरा भरा हुआ सुंदर लग रहा है ना, फिर ये हॉल बनाए इसका कैसे यूज करेंगे। और इतना सुंदर संक्षेप में, ज्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ो ज्यादा भीड़ भाड़ की बोलो, जरूरत नहीं है। भीड़ और बाढ़, बाढ़ साफ सुथरे पानी से नहीं आता है, बोलो, भीड़ भी खाने वालों से इकट्ठे होते हैं, जो खाने वाले होते हैं ना सब इकट्ठे हो जाते हैं, चलो वहां कार्यक्रम चल रहा है। और संक्षेप में होता है, आप लोग इसी काम के लिए आए हैं और इसका पूरा आनंद ले रहे हैं, समझ गए ना। कोई कह रहा था बड़ा कार्यक्रम में चक्कर में नहीं रहता हूं, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं कम खर्चा है, समझ गए ना। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो जैन व्याकरण है उसमें, हा पंडित जी, विरामे वा बोलो, विराम होता है उसमें जो म आता है ना पाणिनि में और व्याकरण में, वो म लिखा जाता है लास्ट में, और हमारे जो व्याकरण है कातंत्र में उसका बिंदु कर देता है, विराम में भी विकल्प से बिंदु हो जाता है कातंत्र में, प्राकृत में तो अनुस्वारी है, बिंदुल सूत्र है, बिंदुल बोलो, सूत्र है, अविरामे वा बोलो, तो म को बिंदु हो जाती है। अच्छा, बिंदी कहां बैठता है, हाथ करो ऐसे, और फिर आदमी को खींचते तो तिलक हो जाता है, पहले बिंदी लगाते हैं इस हाथ से, ऐसे करो अनामिका से बिंदु और अंगूठे से तिलक। तिलक क्यों लगाते पता है, सिद्ध सुख भागी भवा बोलो, और सिंदूर, सिंदूर लगाते हैं ना, सिन बोलो, हाथ जोड़ो, सिन दूर है, पाप को दूर कर देते हैं। अभी एक रिसर्च किया और वो पुलिस थानों में इसका रिसर्च किया, जो बड़ी बिंदी वाली अम्मा है ना उनका आज तक किसी ने चेन स्नैचिंग नहीं कर पाया, बड़ी बिंदी वाली अम्मा, हाँ जो बहुत बड़ी बिंदी वाली अम्मा है, हिम्मत नहीं कर पाया वो, ये देख लेता है ना वो हिप्नोट नहीं कर पाता, सम्मोहित नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब है बिंदी में भी बड़ा पावर है। और शास्त्रों में क्या बताया, हाथ जोड़ो बिंदु साथ, हाथ जोड़ो बिंदु साथ उत्तमम सुखम, हिंदी में बिंदी है, हिंदी में क्या है इसीलिए ज्यादा चल रही है, चलेगी हिंदी, हिंदी भाषा जो है ये प्राकृत की देन है, बोलो हिंदी, बोलो प्राकृत संस्कृत की देन है, हिंदी सारे प्राकृत है, आप अपभ्रंश होके हिंदी सिरा उसमें आ गए, संस्कृत भी मिक्स है, घंटा घर बोलो, बड़े बारा जी जो बोलते थे घंटा घर, घंटा संस्कृत है, घर प्राकृत है, नर मादा बोलो, नर प्राक संस्कृत है और मादा सिया राम बोलो, सिया प्राकृत है, राम संस्कृत है, गौरी गौरी शंकर बोलो, गौरी नहीं गोरी, गोरी शब्द है या गोरी, गोरी शंकर बोलो, गोरी तो बहुत गोरी थी ना इसलिए गोरी और शंकर, सिया राम, राधे श्याम बोलो, राधा जो है ना प्राकृत है, श्याम बोलो, श्याम संस्कृत, दोनों मिक्स है, जैसे घंटाघर है, समझ गए ना, क्रिकेट के जितने वर्ड है वो सब प्राकृत है, छक्का बोलो संस्कृत में क्या बोलेंगे पंडित जी, नहीं संस्कृत में नहीं, छक्का तो संस्कृत वर्ड ही नहीं है, प्राकृत है, ही शटक है, शटकम, समझ गए ना। अच्छा चौका, चौका प्राकृत शब्द है, ये जो चौका मारते हैं ना प्राकृत में मारते हैं, संस्कृत में चौका मार ही नहीं सकता है, चतुष्कम बोलना पड़ेगा, कौन कौन बोलता है चतुष्कम है, गिल्ली,
गिल्ली लघु काष्ट दंडम त्रि काष्ट दंडम किल्ली किल्ली होती है ना, किल्ली प्राकृत है और उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, लघु काष्ट दंडम, और गिल्ली को त्रिदंडम क्या बोलना पड़ेगा, त्रिदंडम क्या बोलना पड़ेगा, कौन बोलता बैठेगा। तो कंदुक संस्कृत है, गेंद प्राकृत है, कंदुकम बोलो और गेंद, गेंद है क्या बोलते हो, बॉल को सीधा गेंद बोलते हैं, प्राकृत है, हाथ जोड़ो बिना प्राकृत के बोलो क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं, घर के सारे सामान प्राकृत में। तो आपको अधिक नहीं कहता हुआ इतने कहूंगा, ये सारे चीजें पूज्य गुरुदेव ने रग रग में जैनिज्म को फैलाया, प्राकृत भाषा का प्रचार किया, ब्राह्मी लिपि का प्रचार किया, अब तो बहुत सारे महाराज लोग प्राकृत भी पढ़ रहे हैं, ब्राह्मी लिपि भी सीख रहे हैं, महिलाएं भी सीख रही हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, कोई विद्वान लोग भी सीख रहे हैं, बड़े बड़े श्रावक लोग भी जो है संस्कृत प्राकृत के, हमारे भाषा जो है ना संस्कृत भी और प्राकृत भी, मुख्य भाषा प्राकृत है हमारे, कौन सी भाषा है वो, किसने ज्यादा प्रचार किया, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की। अच्छा ओम नमः बोलेंगे ठीक, उसके बिना होता नहीं ना भैया, सब जगह घूमना, पूरा नौ होने तक घूमना है ठीक है, एक दो तीन, ओम नमः ओम नमः ओम नमः, एक कोमल स्पर्श, विश्व में शांति हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित हो, चेहरे पे लगाए आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित का अनुभव करें। जय बोलो अनंत आनंद परम चित भगवान की, बुलादिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य विद्यानंद मुनिराज की, गणधराचार्य कुंसागर महाराज की, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के, निर्यापक पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की। और आज के इस कार्यक्रम में हम इसको समापन की घोषणा करें, उससे पूर्व कुछ औपचारिकता है, सभी से निवेदन कि सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, तो इसलिए प्रतीक्षा बैठ करके करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संजीव जी जैन को कि वो आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री संजीव जी कि तोड़ना है पिंजरा, कि तोड़ना है पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। ये पंक्तियाँ मैंने मयूर विहार जैन समाज के लिए कही हैं, दिगंबर जैन सभा के लिए कही हैं, जिन्होंने ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इस प्रोग्राम में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निर्यापक पट्टाचार्य गुरुवर शुद्ध सागर जी महाराज को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया ये चतुर्थ समाधि दिवस मनाने के लिए गुणानुवाद कार्यक्रम का आयोजन मयूर विहार में किया। सर्वप्रथम धन्यवाद आचार्य शुद्ध सागर जी को, और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। इसके बाद कुंदकुंद भारती न्यास के सभी ट्रस्टी पदाधिकारी गणों का हार्दिक धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में पधारे और हमें मौका दिया प्रोग्राम करने के लिए। कृष्णानगर जैन समाज का
सेक्टर 50, सेक्टर 25, सेक्टर 27 नोएडा से आए सभी अतिथिगणों का, यमुनापार जैन समाज का, कौशंबी जैन समाज का, चांदनी चौक दिल्ली से आए हुए सभी पदाधिकारियों का, पांडव नगर जैन समाज, पड़पड़गंज जैन समाज, इसके अलावा कोई मुझसे छूट गया है तो सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अंत में अपने मयूर विहार जैन समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं का आज दिनांक 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज जी का चतुर्थ समाधि दिवस श्री 1008 ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम श्री 108 सुसागर जी महाराज जी के सानिध्य में, परम सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे दिल्ली समाज के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री सभी सम्मिलित हुए और हमें इस मौके पर श्वेता पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी के गुणों का विस्तार से वर्णन करने का सुअवसर मिला। हम उनके चतुर्थ समाधि दिवस पे उनको बार बार वंदन करते हैं और उनको आशा करते हैं वो गुण हमारे जैन समाज में हमारे अंदर रोपित होते रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज 22 सितंबर को हमें पूज्य गुरुवर यम संलेखना धारक सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य आचार्य भगवान 108 विद्यानंद जी महाराज की चतुर्थ समाधि दिवस पर गुणानुवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान शुद्ध सागर महाराज जी का परम सानिध्य निर्देशन व आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान 108 विद्यानंद जी महाराज 75 वर्षों तक दीक्षित रहने के बाद शास्त्रोक्त पद्धति द्वारा पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यानंद जी गुरुदेव ने शास्त्र प्रतिपादित पद्धति के द्वारा यम संलेखना पूर्वक अपने जीवन का मंगल किया और हमारे अपने पीछे हमारे लिए इतने आदर्श, इतने पदचिन्ह छोड़े हैं कि हम उन पदचिन्हों पर चलेंगे तो हम भी उनकी भांति अपने जीवन का मंगल करेंगे। यही हम सबके लिए आशीर्वाद रहा। हमें इस प्रोग्राम में कुंदकुंद भारती न्यास से पूरा समर्थन, उनके महामंत्री सब यहाँ पर पधारे और सभी पदाधिकारीगण भी यहाँ पधारे, कृष्णानगर जैन समाज, यमुनापार जैन समाज, सेक्टर 50, 25, 27 नोएडा से दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी श्री चक्रेश जैन जी अध्यक्ष जैन समाज दिल्ली, पड़पड़गंज जैन समाज, पांडव नगर जैन समाज, सब आसपास के सभी समाजों का सहयोग, समर्थन और उनका सानिध्य मिला। हम उनके हृदय से धन्यवाद देते हैं उनको कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना सानिध्य प्रदान किया। और इस प्रोग्राम की कवरेज नमोकार चैनल के माध्यम से की गई है, यह आप सबको देखने को भी लाइव मिलेगी। और हम नमोकार चैनल के भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कवर किया। टीम लीडर उनके राहुल को धन्यवाद, संपूर्ण चैनल को धन्यवाद।